सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं गेम्स मैनियाक और हम आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर। तो एक बार फिर से वीडियो के गेम प्ले वीडियो फिर से एक बार नहीं है, बट अगेन इट्स एन इंफॉर्मेशन वीडियो जिसकी रिक्वेस्ट आई थी मुझे। और उस रिक्वेस्ट में ये था कि मैं बताऊं कि स्टेडियम्स को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो मैंने सोचा कि वो वीडियो मैं आपके लिए आज बना देता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग रिक्वेस्ट करते हैं। और मतलब अगर मैं वीडियोस बनाता हूँ बट इन केस अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही से नहीं मिल पाती है तो इट्स अ लॉस फॉर मी ऑल्सो। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं ये वीडियो आज बनाऊंगा और उसके बाद मैं इसको अपलोड करूंगा ताकि आप लोग देख सकें। तो ये रिक्वेस्ट जो आई थी ये ऋषभ वाधवा की तरफ से आई थी। ऋषभ वाधवा ने कमेंट किया था कि स्टेडियम डाउनलोड कैसे करते हैं वो वीडियो बनाओ। तो स्टेडियम डाउनलोड करना बहुत इजी है, जैसे कि हम प्लेयर्स और टीम्स को डाउनलोड करते हैं वैसे स्टेडियम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज़ होते हैं पर लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं होता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशनल है, आपको कोई फ़ायदा पहुंच रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमको भी आपका सपोर्ट मिल सके और हमको और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना सपोर्ट शो करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए ताकि हम और वीडियोज़ ऐसे ही आपको कि लाते रहें और लोग देखेंगे तो और सब्सक्राइबर्स आएंगे और सपोर्ट मिलेगा तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा। इसके बाद जैसे कि मैंने पहले की सारे वीडियोज़ में बोला है कि हम IPL खेल रहे हैं साइड बाई साइड। तो अगर आप लोग IPL में इंटरेस्टेड हैं, 2020 का IPL हो नहीं रहा है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट है, आप लोग वहाँ जाके IPL के मैचेस के वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। वंस IPL ख़त्म होगा तो मैं बेस्ट कैचेस, बेस्ट विकेट्स, बेस्ट शॉट्स, फोर सिक्सेस के वीडियोस भी अपलोड करूंगा एज अ हाईलाइट। बट वो तब होगा जब IPL ख़त्म हो जाएगा। अभी हमारे 31 मैचेस हो गए हैं तो आई थिंक अराउंड एक महीना अभी और लगेगा पूरा IPL ख़त्म करने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो आइए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ कि स्टेडियम्स को कैसे डाउनलोड करना है। कुछ नहीं, ये आपका मेन मेन्यू है एशियस क्रिकेट का। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो हम लोग जाएंगे क्रिकेट अकेडमी में। अकेडमी में जाने के बाद में कम्युनिटी, कम्युनिटी में पहला ही ऑप्शन होता है सर्च का। तो आपको सर्च पे क्लिक करना है, उसके बाद में सर्च टाइप जो रहता है उसको आपको प्लेयर से चेंज करके स्टेडियम्स पे कर देना है। उसके बाद में अगर आपके पास कोई यूज़र नेम है जिसने वो स्टेडियम बनाया, देख मैंने कोई स्टेडियम बनाया नहीं है तो मेरे यूज़र नेम से आपको कोई स्टेडियम नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर आपको स्टेडियम का नाम पता है तो आप उस नाम को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लाइक इन केस अगर मुझे इंडिया में ईडन गार्डन्स को डाउनलोड करना है तो मैं ईडन गार्डन तो जिन भी स्टेडियम के नाम में ईडन गार्डन आता है वो मैं सर्च कर पाऊंगा। तो मैं मैक्स 20 रिजल्ट रखूंगा और यहाँ पे मैंने बिगिन किया है सर्च को। तो डाउनलोड होने के बाद आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी जितने भी ईडन गार्डन स्टेडियम्स क्रिएट किए गए हैं एशियाज़ में। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं पहला स्टेडियम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसके जस्ट नीचे आपको दिखता है कि शेयरिंग आईडी क्या है और कितनी बार इसको डाउनलोड किया गया है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा स्टेडियम आप डाउनलोड करें या ना करें। बहुत सारे स्टेडियम होते हैं, ये भी ईडन गार्डन है और इसको 24,000 बार लोगों ने डाउनलोड किया है। उसके बाद में बहुत सारे स्टेडियम्स हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया स्टेडियम है आप उसे डाउनलोड करें, या फिर ये जो सॉर्ट किया है मैंने रेटिंग के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया है। तो सबसे ऊपर जो स्टेडियम है उसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप अगर इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपका यहाँ पे टाइम्स डाउनलोडेड, ओरिजिनल ऑथर, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेंगे। तो आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये डाउनलोड हो जाएगा। या फिर अगर आपको यहीं से सीधा डाउनलोड करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्विक डाउनलोड का। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा बार जो डाउनलोड किया गया स्टेडियम है वो ये वाला है 24,000 बार। तो अगर यहाँ पे मैं ट्रायंगल बटन प्रेस करता हूँ या एक्सबॉक्स में जो भी बटन सबसे ऊपर ग्रीन कलर की होती है, मेरे पास एक्सबॉक्स कंट्रोलर नहीं है तो मुझे पता नहीं है, वहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस लिख के आते रहेंगे। तो क्विक डाउनलोड के लिए मैं इसे क्लिक करूँगा और ये डेटा अपडेट करना शुरू कर देगा। स्टेडियम डाउनलोड हो गया है और ऑटोमेटिकली वो आपके स्टेडियम्स में ऐड हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस स्टेडियम के साथ में जो लोकेशन है वो ऑस्ट्रेलिया सिटी की, जो कि गलत है, राइट? क्योंकि कोलकाता जो है वो इंडिया में है, ईडन गार्डन्स। तो आप
अपने अकॉर्डिंग जो स्टेडियम आपको अच्छा लगता है उसे आप डाउनलोड करके उसके बाद खेल सकते हैं। अच्छा, ऋषभ ने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि क्या हम फॉरेन स्टेडियम्स कर सकते हैं, तो आप फॉरेन भी कर सकते हैं, बस आपको स्टेडियम का नाम पता होना चाहिए या फिर जिस जगह पर वो है। लाइक हम न्यूजीलैंड का स्टेडियम अगर चाहते हैं तो एक स्टेडियम है ऑकलैंड, तो अगर मैं ऑकलैंड करके यहाँ पे सर्च करना शुरू करता हूँ तो हमारे पास वो सारे स्टेडियम्स आ जाएंगे जो ऑकलैंड नाम से क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि सारे स्टेडियम्स की लिस्ट आ गई है, तीन स्टेडियम क्रिएट हुए हैं, तीन में से आप कोई भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप चाहें कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का कोई स्टेडियम, आपको मान लीजिए मेलबर्न स्टेडियम चाहिए, तो आपको सर्च करना पड़ेगा विद द करेक्ट स्पेलिंग मेलबर्न। आप यहाँ पे सर्च कीजिए, मेलबर्न नाम से जो भी स्टेडियम्स बने हैं वो आपको सारे के सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न बैटिंग ग्राउंड। उसके बाद में आपको जो सबसे अच्छा सबसे बेस्ट लगता है उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तरीका है स्टेडियम्स को डाउनलोड करने का। अगर आप चाहें तो आप अपना स्टेडियम क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, पर उसमें बहुत टाइम जाता है। तो बेटर ये है कि जो पहले से ही स्टेडियम्स डाउनलोड होके रखे हुए हैं आप उन्हें एक बार चेकआउट कर लीजिए, आपको अच्छे लगते हैं तो आप उन स्टेडियम्स को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक, अब स्टेडियम सेलेक्ट कैसे करना होता है, जब भी आप कोई भी मैच, लेट्स से आप कैजुअल मैच अगर खेलने जा रहे हो, अगर आप कोई भी मैच खेलने के लिए जाते हो, न्यू मैच स्टार्ट करते हो, तो स्टेडियम सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है कि आपको सारे के सारे स्टेडियम्स वन बाई वन चेक करने होंगे। लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यू मैच मैच में, मैंने यहाँ पे किया, तो आप सबसे पहले देखिए, जैसे मैं अपनी टीम सेलेक्ट यहाँ पे कर ली है मैंने, प्ले नाउ के नीचे ऑप्शन आता है कौन सा स्टेडियम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी जो स्टेडियम है वो सवाई मानसिंह है। इसके अलावा आपको जो भी स्टेडियम चाहिए, आप राइट या लेफ्ट पे अगर टॉगल करेंगे तो आपको द ओवल, एडबेस्टन, शारजा, किंगस्टन ओवल, डेरन सेमी, ये जो मतलब अगर स्टेट देखिए, ज़रूरी नहीं है, स्टेडियम क्रिएटर का हमारे पास ऑप्शन होता है, तो लोग कोई भी स्टेडियम बना सकते हैं। आप अगर यहाँ पे जाएंगे क्रिकेट एकेडमी में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्टेडियम क्रिएटर का। तो स्टेडियम क्रिएटर में जाने के बाद आपके पास ऑप्शंस होंगे क्रिएट करने का, एडिट करने का, शेयर करने का। अगर आप एडिट पे जाते हैं तो आप इनमें से कोई भी स्टेडियम चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई, जैसे मान लीजिए आपको स्पेसिफिकली सपोज करिए मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम एडिट करना है, तो आप वो नीचे फिल्टर का ऑप्शन देख रहे हैं बॉटम लेफ्ट में, तो आप फिल्टर पे जाइए, उसके बाद नेम कंटेंट्स, और आप वहाँ पे टाइप करिए वानखेड़े। ठीक है, उसके बाद में एक्सेप्ट किए तो आपके वानखेड़े स्टेडियम की लिस्ट आ गई। अब इसमें से जो स्टेडियम आपको एडिट करना है आप उसे सेलेक्ट कीजिए, वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, खुल के आ जाएगा। उसके बाद उस स्टेडियम में आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको कोई लोगो लगाना है, कोई होर्डिंग, अभी ये स्टेडियम आपके पास बन के आ गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो कोई भी चेंजेस करने हैं, आइकॉन है या फिर आपका साइज़ जो है आपको बड़ा छोटा करना है, या फिर आपके जो रोड्स हैं उसको आपको एडिट करना है, या फिर आसपास की चीज़ें, कुछ भी आप चाहते हैं सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने कभी किया नहीं है इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि हम कैसे करते हैं। आप यहाँ पे फ्री रोम पे जाके आप पूरा स्टेडियम चेकआउट भी कर सकते हैं किस तरीके से ये बना हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्रिएटर, आपको एक स्टेडियम क्रिएटर जो है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेडियम क्रिएट करना चाहें आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं एग्जिट करता हूँ। इसी के साथ में एक क्रिएटर क्रिएट स्टेडियम का भी ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है कि आप एक स्क्रैच से नया स्टेडियम बना सकते हो। आपको ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक गोल सा ग्राउंड दिया हुआ है, उसके बाद में आसपास थोड़ा सा सराउंडिंग्स है, इसके बाद आप जैसा भी स्टेडियम चाहते हो, इस पूरा ये पूरा एरिया जो है ये आपका है, जैसा भी स्टेडियम आप चाहते हो आप बना सकते हो। मैंने कभी बनाया नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है कि करते कैसे हैं, बट आई एम श्योर कि आपको गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि एडिटिंग कैसे करी जाती है। तो इस तरीके से आप स्टेडियम्स को क्रिएट भी कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद आप चाहो तो जो आपने स्टेडियम क्रिएट किया है उसको आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हो ताकि और लोग उसे डाउनलोड कर सकें। तो ये था आज का वीडियो पूरा, जहाँ मैंने बताया कि स्टेडियम का क्रिएशन आप कैसे करोगे, कैसे करना है, या फिर स्टेडियम को डाउनलोड कैसे करोगे। बहुत इजी होता है, हम प्लेयर्स करते हैं, हम लोगोज करते हैं, हम टीम्स करते हैं, सिमिलरली एम्पायर्स और स्टेडियम भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी कम्युनिटी में स्टेडियम अवेलेबल हैं वो आपको मिल जाएंगे, किसी भी टीम के स्टेडियम्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाके उसे डाउनलोड करिए, उसके बाद आप अपने मैच को एंजॉय कर सकते हैं। तो
तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम वीडियो जैसे ही बनाते रहेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा, कौन सा नहीं अच्छा लगा, या आप और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उससे अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और गेम्स मैनिया को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।